नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल आरोग्य भारत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जोड़ों में दर्द के घरेलू उपाय। आप किस तरीके से ये घरेलू उपाय करके अपने जोड़ों का दर्द में आराम पा सकते हैं, यानी कि जोड़ों के दर्द से राहत पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करूंगा छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देर लगाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जोड़ों में दर्द होने का कई कारण हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया, बुरसा, डेंटिटिस या तनाव मोच या अन्य चोट को प्रभावित करते हैं। बुरसा टेंडन्स जोड़ों के आसपास होता है या शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन घुटनों कंधों में परेशानी सबसे आम है। दर्द हल्के से गंभीर तक हो सकता है। एक या एक से अधिक जोड़ों में सूजन और कठोरता के कारण यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। गंभीर जोड़ों में दर्द खासकर गठिया से संबंधित समस्या होती है तो इसके लिए उचित निदान उपचार की आवश्यकता होती है। जोड़ों के दर्द का घरेलू उपाय है मसाज। मसाज थेरेपी संचलन और सूजन को कम करके जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करती है, बल्कि कई अध्ययनों से पता चला है कि रोजाना मसाज करने से दर्द और कठोरता से राहत मिलती है। प्रभावित क्षेत्रों पर मसाज करने के लिए नारियल का तेल, जैतून का तेल, सरसों का तेल, अरंडी का तेल या लहसुन का तेल आप गुनगुना करके इनसे अच्छे से मसाज कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द के लिए गर्म और ठंडे पानी के बैग का इस्तेमाल करें। गर्म और ठंडे पानी का बैग लगाने से जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद मिलती है। हीट थेरेपी दर्द को कम करती है, रक्त के प्रवाह में वृद्धि करती है, साथ ही मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को दूर करने से राहत पहुंचाती है। गर्म और ठंडे पानी के बैग का इस्तेमाल कैसे करना है आपको बता देते हैं। इस्तेमाल करने से पहले दोनों बैग के एक तौलिए में लपेट लें, सीधा त्वचा पर उनका इस्तेमाल ना करें। 3 मिनट के लिए गर्म बैग को प्रभावित क्षेत्रों में लगाएं, यानी कि जहां भी आपको दर्द है वहां पर इसका उपयोग करें। बैग को हटा लें और तभी गर्म बैग को प्रभावित क्षेत्र पर 1 मिनट के लिए लगा दें। प्रक्रिया को 15 से 20 मिनट तक दोबारा दोहराएं और इस प्रक्रिया को रोजाना करें जब तक आपको आराम न मिले। जोड़ों के दर्द का घरेलू उपाय है मेथी के बीज। मेथी अपने एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुणों की वजह से एक लोकप्रिय घरेलू उपाय है। यह खासकर गठिया से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद होता है। मेथी के बीज का इस्तेमाल आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच मेथी के बीज का सेवन करें। जब तक आपको सकारात्मक परिणाम ना मिले तब तक सुबह इसका उपयोग रोजाना करें। दूसरा तरीका है, इसके अलावा 1 चम्मच मेथी के बीज को रात भर पानी में भिगो कर रख दें और फिर सुबह उन्हें खा लें। तीसरा उपाय जो जोड़ों में दर्द का है वो है हल्दी। हल्दी जोड़ों के दर्द के लिए एक प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय है। इसमें मौजूद कर्क्यूमिन सामग्री सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है, जो घुटनों के जोड़ों में दर्द के लिए इबुप्रोफेन में काफी मदद करती है। जो घुटनों में जोड़ों के दर्द के लिए इबुप्रोफेन से काफी ज्यादा प्रभावी है। आप हल्दी का इस्तेमाल भी 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा शहद 1 गिलास गर्म दूध में मिलाएं, कम से कम कुछ दिनों के लिए इसे रोज पिएं। दूसरा तरीका है, इसके अलावा आप 250 से 500 मिलीग्राम हल्दी कैप्सूल 3 बार रोजाना लें, तब तक लें जब तक आप परिणाम में संतुष्टि न हो जाए। तो दोस्तों अगला जो नुस्खा है जोड़ों के दर्द का घरेलू नुस्खा है सेब का सिरका। सेब का सिरका जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है। यह जोड़ों और उत्तकों में मौजूद विषाक्त पदार्थ को निकालता है। इसकी क्षारीय प्रभाव के कारण यह गठिया से पीड़ित लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे खनिजों से भरपूर होता है। सेब के सिरके का इस्तेमाल आप कैसे करना है आपको बता देते हैं। 1 से 3 चम्मच कार्बनिक सेब साइडर सिरका और गर्म पानी के कप में थोड़ा सा शहद मिलाएं। इस मिश्रण को पूरे दिन में 2 या 3 बार खाना खाने से पहले जरूर पिएं। आप इस मिश्रण को रोजाना भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जोड़ों के दर्द के लिए ही नहीं पूरे स्वास्थ्य के लिए ही बेहद लाभदायक माना जाता है। तो दोस्तों हमारा लास्ट जो उपाय है वो है लहसुन। लहसुन जोड़ों के दर्द के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। लहसुन सल्फर और सोलेनियम से भरपूर होता है।
लहसुन गठिया और जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है। सल्फर जोड़ों के दर्द और सूजन से राहत पहुंचाने में मदद करता है। इसके साथ ही गठिया के रोगियों के रक्त में सेलेनियम का स्तर गिर जाता है। आप लहसुन का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं? आप अपने आहार में कच्चा या पका हुआ लहसुन जरूर मिलाएं। इसके साथ ही आप रोजाना लहसुन की 2 या 3 फांकें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिश्रण का इस्तेमाल पूरे दिन में 2 बार तब तक करें जब तक आपको आराम नहीं मिले। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आपको ये वीडियो? वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।